अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू फूडी मूवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं नींबू पानी। आपने बहुत से तरीकों से नींबू पानी बनाया होगा, लेकिन आज हम थोड़े कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। तो इसमें हम जो जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो हम देख लेते हैं। बर्फ़ तो लेनी है, ज़रूरी होती है। चीनी ले सकते हैं आप, अगर नमक आप लोग को पसंद है तो हंसते जाएगा, आप नमक डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिंट लीव लिए हैं 3 से 4 अदद, और 4 यहाँ पे मैंने लिए लीमू। इन चीज़ों से हम बनाएंगे आज लीमू पानी। तो चलिए देखते हैं कुछ अलग तरीके से कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लीमू को काट के रख लिया। अब हम लीमू पानी बनाना शुरू करेंगे। आप लोग इसको गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है, तो आप इसको गर्मी से बचने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 लीमू के पीसेस का जूस ऐड करूंगा। ये देख सकते हैं आप। ये अगर आप लोग चाहें तो इसमें मिंट लीव ऐड करें, अगर चाहें तो नहीं करें, क्योंकि टेस्ट के लिए अच्छा हो जाता है, और टेस्ट अच्छा हो जाता है, और जायके में भी अच्छा फर्क, अच्छा खासा फर्क आ जाता है। ये देख सकते हैं आप, हमने इसमें जूस ऐड कर दिया। अब हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अगर आप लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने 2 चम्मच चीनी इसमें ऐड कर दी, और तकरीबन नमक जो है 1 चुटकी के बराबर डालिएगा। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर कड़वा हो जाता है, पिया नहीं जाता। ये देख सकते हैं आप, नमक इसमें हमने अच्छे जाएगा शामिल कर दिया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे पहले थोड़ा सा। ये हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लिया। इसको हम पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें इसका जो हमने लीमू का रस डाला वो अच्छी तरीके से इसमें, और चीनी अच्छी तरीके से इसमें घुल जाए। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन तकरीबन। और जब आप लोग इसमें चीनी डालें तो ठंडा पानी यूज कीजिएगा, क्योंकि चीनी देर से डिजोल्व होती है ठंडे पानी में। थोड़ा गर्म पानी लेके आप उसमें चीनी को अच्छी तरीके से डिजोल्व कर लें, फिर उसके बाद जो इसमें आप ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी चीनी आप लोग देख सकते हैं तकरीबन तकरीबन डिजोल्व हो चुकी है। हम चम्मच साइड में रख देंगे, बाकी का पानी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हम इसमें आइस क्यूब ऐड कर देंगे। आप लोग जितना ठंडा पीना चाहते हैं आप उतने इतना बर्फ ऐड कर सकते हैं। ये हमने 4 से 5 क्यूब हमने इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद ये हमने मिंट लीफ काट के रखे थे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो ऐड करें, अगर ना चाहें तो ज़रूरी नहीं है, बगैर मिंट लीफ के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है, ये यहाँ पे मैंने कुछ लीमू काट के रखे थे हम इसको डेकोरेट करने के लिए। इस तरीके से आप स्लाइसेस पत्ते पत्ते लीमू के काट लें। उसके बाद जो है इसको जो है किसी छुरी से इसको सेंटर में से थोड़ा सा काट लें, ताकि ये गिलास में अच्छी तरीके से इसको हम लगा सकें। ये इस तरीके, एक हम यहाँ पे लगा देंगे, एक हम इस साइड पे लगा देंगे। देख सकते हैं आप ये तरीके। बाकी जो है 2 से 3 स्लाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि इसका जायका और अच्छा हो जाए। ये देख सकते हैं आप, इतनी आसान रेसिपी और इतनी मज़ेदार रेसिपी। आप लोग इसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में ये बहुत अच्छी है, एनर्जी लेवल भी आपका बरकरार रखती है। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरीके से हमारी वीडियो देखना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी जब भी कोई लेटेस्ट नई वीडियो है तो आप लोग तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा लुक लग रहा है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो है वीडियो को जरूर लाइक करिए। थैंक यू।